मुंबई की शान कहे जाने वाले इस ताज होटल के बारे में बहुत से लोगों को उस दिन पता चला जब 26 नवंबर 2008 को मुंबई में आतंकी हमला हुआ। इस हमले ने पूरे देश को हिला दिया, कई लोगों की जाने गई, कई परिवार खत्म हुए और मुंबई के इस ऐतिहासिक होटल को आतंकियों ने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। लेकिन इस होटल के साथ एक और कहानी भी जुड़ी है जो बहुत से लोगों को नहीं पता। आज से 150 साल पहले टाटा के फाउंडर जमशेद जी टाटा जब बॉम्बे के वॉटसन होटल गए तो उनको वहां अंदर आने से मना कर दिया गया कि ये होटल सिर्फ गोरों के लिए, इंडियंस की एंट्री यहां पे बैंड है। जमशेद जी को ये अपनी नहीं हर इंडियन की बेइज्जती लगी और उस दिन उन्होंने डिसाइड कर लिया कि एक ऐसा होटल बनाऊंगा जिसमें सब आना चाहेंगे, फिर चाहे कोई इंडियन हो, कोई फॉरनर हो, किसी भी रंग का हो, किसी भी जात, किसी भी धर्म का हो, किसी के आने पर रोक टोक नहीं होगी। उस दिन उन्होंने सपना देखा था ताज का। ऐसे कई सपने जमशेद जी ने इंडिया के लिए देखे, लेकिन क्या हर सपना पूरा हुआ? तो आज हम बात करेंगे उस ग्रुप की जिसने पूरे देश को बदल डाला, टाटा ग्रुप की। पिछले 150 साल में कई कंपनीज आई और खत्म हो गई, लेकिन टाटा ग्रुप कैसे इतना ग्रो करता गया? 150 साल में 132 कंपनीज खोली हैं टाटा ग्रुप ने, मतलब हर एक से 1.5 साल में एक नई कंपनी। और ऐसा क्यों कहते हैं कि जूता पहनो तो पाटा, नौकरी करनी हो तो टाटा? गुड कैच। पर ऐसा कैसे हो सकता है कि एक कंपनी हजारों करोड़ों की डोनेशन करने के बाद, हजारों करोड़ों का टैक्स भरने के बाद, हजारों करोड़ों का प्रॉफिट कर जाती है? और पिछले 4 साल में ऐसा क्या हुआ कि टाटा ग्रुप 100 से 30 कंपनीज पे आ गया? टाटा की कहानी में 3 सितारे। सबसे पहले बात करेंगे जमशेद जी टाटा की। अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद जमशेद जी ने अपने फादर को बिजनेस में हेल्प करनी शुरू करी। उनके फादर कई चीजों की ट्रेडिंग करते थे जिसमें से एक थी कॉटन। अब चलते हैं इंग्लैंड। इंग्लैंड के लंकशायर में कई सारी टेक्सटाइल मिल्स थी जो अपनी मैक्सिमम कॉटन अमेरिका से लेती थी। 1861 में अमेरिका में सिविल वॉर हुई, कॉटन की सप्लाई रुक गई, तो उन टेक्सटाइल मिल्स ने अपनी कॉटन इंडिया से लेनी शुरू कर दी। ऐसे में बॉम्बे के ट्रेडर्स के प्रॉफिट्स एकदम से बढ़ गए। जब प्रॉफिट्स बढ़े तो जमशेद जी को बोला गया कि लंदन जाके एक ऑफिस सेट करो। तब प्लेन नहीं होते, सफर लंबा होता। जब तक जमशेद जी इंग्लैंड पहुंचे तब तक अमेरिका में सिविल वॉर खत्म हो चुकी थी। इंग्लैंड ने इंडिया से कॉटन लेना बंद कर दिया था। बॉम्बे की मार्केट क्रैश कर चुकी थी। जो सिक्योरिटीज और बिल्स जमशेद जी के पास थे, लंदन पहुंचने तक उनकी वैल्यू 0 हो चुकी थी। और पीछे बॉम्बे में जमशेद जी का घर दिख चुका था। अब अपने शहर से हजारों किलोमीटर दूर जमशेद जी लंदन में थे और जेब खाली। उन्होंने अपनी पढ़ाई को यूज किया और वहां के कुछ बिजनेसेस को अकाउंटिंग की सर्विस देनी शुरू कर दी ताकि वो कुछ पैसा कमा पाए। और खाली टाइम में वो लंदन के बिजनेसेस को ऑब्जर्व करते थे, दुनिया के सबसे पावरफुल देश में कौन से बिजनेस होते हैं, कैसे होते हैं। उन्होंने लैंकशायर की कई कॉटन मिल्स को देखना शुरू करा, कैसे कॉटन मिल्स काम करती है, क्या क्या चीजें होती है। एक तरफ इतना खूबसूरत देश और दूसरी तरफ मिल्स में वर्कर्स की क्या हालत होती है। कई सारी चीजें उन्होंने अपनी डायरी में नोट करनी शुरू कर दी। अब 4 साल लंदन में रहने के बाद जमशेद जी वापस इंडिया आए। कुछ पार्टनर्स के साथ मिलकर उन्होंने एक डूबी हुई ऑयल मिल खरीदी, उसको कॉटन मिल में बदला, अपने कॉटन ट्रेड के एक्सपीरियंस को यूज किया और 2 साल में उसको प्रॉफिट में बेच दिया। लेकिन जमशेद जी का पर्पस यहां पे क्विक प्रॉफिट कमाना नहीं था, अपने बड़े सपनों को फाइनेंस करना था। वो इंडिया में एक वर्ल्ड क्लास टेक्सटाइल मिल खोलना चाहते थे। अब यहां पे एक सवाल है, जमशेद जी इंडिया के पहले इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं थे, फिर भी उनको फादर ऑफ इंडियन इंडस्ट्री क्यों कहा जाता है? क्योंकि जमशेद जी का सपना ना सिर्फ एक इंडस्ट्री खोलना नहीं था, उनका सपना था इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ इस देश को बदलना। बॉम्बे में उस टाइम पे 15 टेक्सटाइल मिल्स थी, मतलब सारी मार्केट वहां थी, वर्कर्स वहां थे, हर चीज वहां थी। लेकिन जमशेद जी ने सोचा बॉम्बे से कई किलोमीटर दूर नागपुर में अपनी टेक्सटाइल मिल शुरू करने का। बहुत से लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, लेकिन जमशेद जी को क्लियर था कि नागपुर के आसपास कॉटन ग्रोइंग एरिया है, ईस्ट में कोयला है, जल्दी कोयले की सप्लाई मिलेगी, वाटर की सप्लाई प्रॉपर मिलेगी, नागपुर अपने आप में एक हैंडलूम की मार्केट, और सबसे बड़ी बात, नागपुर रेलवेज के हिसाब से सेंटर में है, तो माल का आना जाना, रॉ मटेरियल, फिनिश गुड मच क्विकर होगा। जमशेद जी ने ये इंग्लैंड में और बॉम्बे में देखा था कि वर्कर्स से लोग गुलामों की तरह काम करवाते हैं और तब ये नॉर्मल था। बिल्डिंग की हालत अच्छी नहीं है, वेंटिलेशन नहीं है, लेबर स्किल्ड नहीं है, कभी भी आग लग जाती है, कभी भी एक्सीडेंट हो जाते हैं, वर्कर्स मोटिवेटेड नहीं है। जमशेद जी ये समझते थे कि वर्कर्स को साथ लेकर चलना है। और जमशेद जी ने अपनी मिल में ऐसी कई चीजें करी जो इंडिया में पहली बार हुई थी।
प्रोविडेंट फंड शुरू किया, ग्रेच्युटी शुरू करी, रिटायरमेंट फंड बनाया, अगर किसी वर्कर का कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो मेडिकल कंपनसेशन देनी शुरू करी, उन्होंने ह्यूमिडिफायर्स लगाए ताकि वर्कर्स को गर्मी ना लगे, फायर स्प्रिंकलर्स लगवाए ताकि आग ना लगे। ये सब पहली बार हुआ था। मदर्स के लिए क्रेश था, अपने बच्चों को वहां छोड़ सकते हैं और काम कर सकते हैं। फैमिली डे, स्पोर्ट्स डे और ऐसी कई सेरेमनीज उनकी मिल में करी जाती थी जिसमें वर्कर्स को अवार्ड्स मिलते थे, प्राइजेस मिलते थे। वर्कर्स दिल से जुड़ना शुरू हो गए और टाटा के साथ उनकी कमिटमेंट कई गुना बढ़ गई। 1892 में जमशेद जी ने टाटा में एक नई शुरुआत करी। अपने पर्सनल फंड में से उस टाइम पे 30 लाख रुपए निकाले और एक एंडोमेंट स्कीम बनाई, मतलब जो बच्चे पढ़ाई में अच्छे और बाहर जाके पढ़ना चाहते हैं उनके लिए स्कॉलरशिप। अब तक टाटा देश को 5000 से ज्यादा स्कॉलर्स दे चुका है, जिसमें अपने देश के 10वें राष्ट्रपति K.R. नारायण, फेमस फिजिसिस्ट राजा राम, एस्ट्रोफिजिसिस्ट जयंत नार्लिकर और प्लेराइट गिरीश कर्नाड जैसे कई नाम शामिल हैं। जमशेद जी ने कई नई मिल्स और बिजनेसेस में एंटर करना शुरू किया, लेकिन उनके चार मेन सपने थे इंडिया के लिए। जब जमशेद जी इंग्लैंड में थे तो उन्होंने थॉमस कैरल की एक स्पीच में सुना था, द नेशन विच हैज स्टील विल हैव गोल्ड। जमशेद जी समझते थे कि देश को इंडस्ट्रियलाइज करने के लिए उसके पास अपना स्टील होना जरूरी है और ये था उनका पहला सपना, इंडिया को अपना स्टील प्लांट देना। दूसरा सपना, जमशेद जी ये समझते थे कि इंडस्ट्री के लिए पावर चाहिए, कोयले के भरोसे रहने से हवा खराब होगी और लोग बीमार होंगे। जमशेद जी ने नियाग्रा फॉल्स पे हाइड्रो पावर देखी थी और उनका दूसरा सपना था इंडिया को अपना और पहला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट देना। तीसरा सपना, जमशेद जी मानते थे कि देश को बदलने के लिए एजुकेशन और रिसर्च बहुत जरूरी है। वो इंडिया के यूथ के लिए एक ऐसा इंस्टीट्यूट बनाना चाहते थे जो विदेश में भी ना हो। इसके लिए उन्होंने अपनी आधी पर्सनल वेल्थ, बॉम्बे की 14 बिल्डिंग्स और 4 लैंडेड प्रॉपर्टीज डोनेट कर दी। और चौथा, बॉम्बे का वो होटल जिसमें कोई भेदभाव ना हो। इन चारों सपनों के लिए उन्होंने बहुत काम किया, लेकिन जीते जी वो एक ही सपने को अपनी आंखों के सामने पूरा होते देख पाए और वो था ताज होटल। अब जब मौत सामने थी तो सदी के एक महान इंडस्ट्रियलिस्ट ने मरने से पहले अपने बेटे को आखिरी वर्ड्स क्या बोले होंगे। उन्होंने कहा, मेरे काम को आगे बढ़ाना और अगर ना बढ़ा पाओ तो जो किया है उसे बचाना। जमशेद जी टाटा के लिए बिजनेस को बड़ा बनाने से ज्यादा जरूरी था टाटा के एथिक्स और प्रिंसिपल्स हमेशा मेंटेन रहे। उनकी मौत के बाद उनके बेटे दुराबजी टाटा ने उनके बचे हुए तीनों सपनों को पूरा किया। 1909 में बना इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज बैंगलोर में, 1910 में बना टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई कंपनी जिसने बॉम्बे को बिजली देनी शुरू करी, और 1912 में झारखंड के साक्ची में बना इंडिया का पहला स्टील प्लांट टाटा स्टील, और जमशेद जी के ऑनर में साक्ची शहर को जमशेदपुर नाम दिया गया। दोराबजी की लीडरशिप में टाटा ग्रुप ने कई सेगमेंट्स में एंटर किया, कंज्यूमर गुड्स, कुकिंग ऑयल, सर्फ, शैम्पू और इंश्योरेंस। 1932 में दोराबजी टाटा की डेथ हुई और दुनिया से जाने से पहले उन्होंने अपनी जिंदगी भर की कमाई और टाटा सन्स में जो उनकी 40% की हिस्सेदारी थी वो सब कुछ डोनेट कर दिया दोराबजी टाटा ट्रस्ट को। दोराबजी ने जो अपनी वाइफ को जुबली डायमंड दिया था जो कोहिनूर से डबल साइज का है, उनकी वाइफ ने उस डायमंड को भी बेच दिया और सारा पैसा डोनेट कर दिया ट्रस्ट को। आज भी ये जुबली डायमंड लेबनन की रॉबर्ट मोआवाद की जेम कलेक्शन में रखा हुआ है। आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट बताऊं, आपको पता है कि टाटा ग्रुप में मेजॉरिटी ओनरशिप टाटा के किसी फैमिली मेंबर की नहीं है बल्कि टाटा ट्रस्ट की है। टाटा ट्रस्ट टाटा ग्रुप का 66% ओनर है, मतलब बिजनेस मेहनत करेगा, इन्वेस्टर को रिटर्न मिलेगा और ट्रस्ट को जो डिविडेंड मिलेगा उससे वो देश की सेवा करेगा। ये सारे सेक्टर्स में टाटा ट्रस्ट काम करता है, ये सारे इंस्टीट्यूशंस टाटा ट्रस्ट ने बनवाए हैं। ये थी जमशेद जी टाटा के विजन कि बिजनेस पैसा कमाएगा और बिजनेस से कमाया हुआ पैसा देश की सेवा के काम आएगा। ऐसा कहा जाता है कि टाटा की कहानी के फर्स्ट हाफ को अगर जमशेद जी ने शेप किया है तो दूसरे हाफ को शेप किया है JRD टाटा ने। JRD टाटा जमशेद जी के कजन और बिजनेस पार्टनर रतन जी टाटा के बेटे थे, जिनकी पढ़ाई ब्रिटेन में और फ्रांस में हुई। 21 साल की उम्र में जब वो पेरिस में थे तो उनके फादर का मैसेज आता है कि बेटा, बिजनेस सीखने का और संभालने का वक्त आ गया है, अपने प्लेन्स को उड़ाने का और कैम्ब्रिज जाने का सपना छोड़कर JRD टाटा इंडिया आ जाते। 21 साल की उम्र में टाटा ग्रुप को ज्वाइन किया, अपने आइडियाज के साथ सबको हैरान करना शुरू कर दिया। 25 की एज में वो टाटा ग्रुप के बोर्ड के
मेंबर बन चुके थे और क्योंकि फ्लाइंग का शौक था तो इंडिया के फर्स्ट कमर्शियल पायलट बने। 1932 में जेआरडी टाटा ने एक और हिस्ट्री बनाई। कराची से मुंबई इंडिया की पहली कमर्शियल फ्लाइट एज अ पायलट उन्होंने चलाई और वहां से शुरुआत हुई एयर इंडिया की। और उसके 6 साल बाद 34 की एज में वो बन गए टाटा ग्रुप के अब तक के यंगेस्ट चेयरमैन। जेआरडी टाटा ने टाटा ग्रुप में कई कंपनीज की शुरुआत करी। 1945 में बना टाटा मोटर्स, जिसने दिया देश को पहला कमर्शियल व्हीकल। आज की डेट में इंडिया की सड़कों पे मैक्सिमम कमर्शियल व्हीकल्स टाटा के ही चलते हैं। 1948 में बनी इंडिया की पहली इंटरनेशनल एयरलाइन। 1968 में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS। 1983 देश का नमक टाटा नमक। 1987 टाइटन इंडस्ट्रीज। जब जेआरडी टाटा ने लीडरशिप संभाली थी उस वक्त टाटा ग्रुप था $100 मिलियन का, और जब उन्होंने चेयरमैन की पोजीशन से रिजाइन किया उस टाइम पे टाटा ग्रुप था $5 बिलियन का। 100 मिलियन से 5 बिलियन। जेआरडी ने बनाया एशिया का पहला कैंसर सेंटर। कई और इंस्टीट्यूट उन्होंने एस्टेब्लिश करे, कई अवार्ड्स उनको मिले और 92 में इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न भी उनको मिला। 1991 में जेआरडी ने चेयरमैनशिप से स्टेप डाउन किया और 93 में जिंदगी से। अपनी चेयरमैनशिप के अंडर उन्होंने टाटा ग्रुप को 80 कंपनीज का एक जायंट बना दिया। टाटा की कहानी के तीसरे सितारे की बात करने से पहले मैं आपको अपने ड्रीम प्रोजेक्ट आई एम सक्सेस के बारे में बताना चाहूंगा। आप अपनी कंफ्यूजन को रिप्लेस कर पाओ क्लैरिटी के साथ, डर को कॉन्फिडेंस के साथ, डिस्ट्रैक्शंस को फोकस के साथ। इसलिए मैंने अपने सालों के कॉर्पोरेट ट्रेनिंग के एक्सपीरियंस के बेस पे मैंने और मेरी टीम ने ये प्रोग्राम बनाया आई एम सक्सेस, जिसके अंदर आपको एक 3 घंटे की लाइफ मास्टरी वर्कशॉप मिलती है जो आपको सिस्टम्स और रूल्स देती है जिससे आप अपने सपनों को जी सकते हो। आपको इसके अंदर एक ग्रोथ माइंडेड लोगों की कम्युनिटी मिलती है सो दैट आप मिलकर आगे बढ़ पाओ, और हर महीने एक लाइव सेशन मिलता है। ये प्रोग्राम आपको कैसे फायदा दे सकता है और इसकी बाकी सारी डिटेल्स जानने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप उसको क्लिक कर सकते हैं, इसके बारे में जान सकते हैं और इस एम्बिशियस प्रोग्राम का पार्ट बन सकते हैं। अब आ गया 1991, जब देश में एक बड़ा बदलाव आया। मनमोहन सिंह जी ने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स शुरू किए, लाइसेंस राज खत्म हुआ, इकोनॉमी लिबरल हुई और इंडिया के दरवाजे ग्लोबली खुलना शुरू हुए। और इसी साल 1991 में टाटा को मिला नया चेयरमैन। टाटा जो कि शुरू से कंजर्वेटिव कंपनी रही है, इस चेयरमैन ने समझा कि इस बदलाव के साथ कंपनी को भी बदलना होगा। इन्होंने टाटा को एक नया और अलग मुकाम दिया। इन्होंने दी इंडिया को पहली पैसेंजर कार जो 100% इन हाउस बनी थी, इंडिया में बनी थी। कम्युनिकेशन और नेटवर्किंग को देखते हुए बनी टाटा कम्युनिकेशंस। आई एम श्योर अब तक आप समझ गए होंगे मैं बात कर रहा हूं द लीजेंड रतन टाटा जी की। रतन टाटा जी का मानना था कि अब वो टाइम आ गया है कि इंडियन कंपनीज ग्लोबल कंपनीज को एक्वायर करें। टेटले, लैंड रोवर, जैगुआर, कोरस जैसे कई एक्विजिशन टाटा ग्रुप ने करे। $30 बिलियन की इन्वेस्टमेंट के साथ 36 ग्लोबल कंपनीज को एक इंडियन कंपनी टाटा ग्रुप ने एक्वायर किया। रतन टाटा जी ने जब देखा कि इंडिया में कई कपल्स अपने बच्चों को लेके बारिशों में खराब सड़कों पे चल रहे होते हैं, वो कितना रिस्क हो सकता है, वहां से उन्होंने सपना देखा एक अफोर्डेबल कार बनाने का। और 2008 में एक हिस्ट्री क्रिएट हुई। इंडिया में, सिर्फ इंडिया की नहीं दुनिया की सबसे सस्ती गाड़ी लॉन्च हुई, टाटा नैनो। लेकिन ये अपने आप में एक बहुत बड़ा डिजास्टर बना क्योंकि इसको सबसे सस्ती गाड़ी कहकर बेचा गया। लोग इसको खरीद नहीं रहे थे कि पड़ोस वाला क्या कहेगा कि तू तो सबसे सस्ती गाड़ी लेके चल रहा है। गरीबों की गाड़ी सबसे सस्ती गाड़ी, इस साइकोलॉजी की वजह से ये एक डिजास्टर बन गया। रतन टाटा जी ने जब टाटा ग्रुप की चेयरमैनशिप संभाली थी तो उस टाइम पे टाटा ग्रुप $5 बिलियन का था। $5 बिलियन से $100 बिलियन तक का सफर तय किया और 2017 में रतन टाटा जी ने चेयरमैनशिप से स्टेप डाउन कर दिया। आज की डेट में TCS के XMD और CEO नटराजन चंद्रशेखरन टाटा ग्रुप के चेयरमैन हैं। उन्होंने टाटा ग्रुप को सिंप्लीफाई किया है, रिस्ट्रक्चर किया है, जैसे टाटा स्टील के अंदर 7 कंपनीज को उन्होंने मर्ज करके एक बना दिया। इसी सिंप्लीफिकेशन के अंदर टाटा ग्रुप में 100 कंपनीज थी, उन्होंने मर्जर्स के साथ, रिस्ट्रक्चराइजेशन के साथ 30 कंपनीज में इसको समराइज कर दिया। आई एम श्योर कि टाटा ग्रुप की स्टोरी में आपको मोटिवेशन मिली होगी, इंस्पिरेशन मिली होगी, लाइफ लेसन मिले होंगे और बिजनेस लेसन मिले होंगे। कहते हैं कि दुनिया की सबसे महंगी चीज अगर कुछ है तो वो है भरोसा, एंड चीप पीपल कांट अफोर्ड इट। टाटा ने 155 साल में इसी भरोसे को बिल्ड किया है। उनके कस्टमर से लेके इन्वेस्टर्स तक, गवर्नमेंट से लेके एम्प्लॉयज तक, हर कोई
समझता है कि टाटा मतलब भरोसा। सोसाइटी को सर्व करने की बात करी जाए तो टाटा आज दुनिया का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है। फाइनेंशियली बात करें तो 8 लाख करोड़ से ज्यादा की कंट्रीब्यूशन टाटा ग्रुप कर चुका है। यही कुछ कारण है दुनिया के बारे में सोचना, अपने साथ जुड़े लोगों के बारे में सोचना, अपनी जुबान पे रहना, भरोसा को बिल्ड करना, जिसने टाटा को 155 साल में टाटा बनाया है। दोस्तों, टाटा का कोई ना कोई प्रोडक्ट तो हर कोई यूज करता है, लेकिन टाटा की स्टोरी बहुत कम लोगों को पता है। और मुझे लगता है कि ये स्टोरी हर किसी तक पहुंचनी चाहिए, आपको शेयर करनी चाहिए हर किसी के साथ, सो दैट सबको ये बात पता चले कि देश को बदलते हुए भी बिजनेस किया जा सकता है, दूसरों का फायदा करते हुए भी बिजनेस बिल्ड किया जा सकता है, समाज को आगे बढ़ाते हुए भी कमाया जा सकता है। ये मैसेज हर एंटरप्रेन्योर तक, हर यंगस्टर तक, हर स्टूडेंट तक पहुंचना चाहिए। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। आई लव यू ऑल।